यो बोली साड़ी लौनू फिर दे कंडे चोली पौनू फिर दे अणखी है असी सानू जी कोई वंगार दे फिर ता असी मरन मराउण तैयार हो जाने चोली पौनू फिर दे हो लुट लेना पंजाबे सोना लौन स्कीमा बड़े ही चिर दे हा लुट लेना किरसा बड़ी गल है ये सियासत अपनी देश की इन्नी मैं कहनी माड़ी हो चुकी है हर कोई निजी पद्धर से चाहता है भी मैनू जो ठीक है उही ठीक है मैं पता नहीं की बनना इत्थे कोई कुछ नहीं बन के जाता भी नहीं सस्ते हो गए के कौडियां दे पा बिक जावांगे जे डटे रहे ता जित जावांगे जे लोग चाहते हैं जिस तरह जीना उन्होंने जीण दो तुसीं धक्का ना करो तुसीं एक कहण दे भी हाँ भाई अज मैं फलाने बंदे नूं खुश करन लई ये सारा लोग समझ रहे अज कोई पागल नहीं है पिछे लग के साम्राज्यां हाकम भी हो गया कमीना सानू जंग लड़नी भी आउंदी है जंग जितनी भी आउंदी है जे सरकारां असी बना सकदे आं तां सरकार सिटनी भी आउंदी है सोची ना के लेकिन ओए जेड़ा इंसीडेंट उन्हें उत्थे कीता और लगदा सी कि भी गुरदास मान दे विच भी उदों मोदी वाला हुम है मोदी वाली घमंड वो सारा कुछ आ गया ते उहदे करके लोकां नूं माफ नहीं कीता ते बोलन नहीं दित्ता के टिक जावांगे डटे रहे तां जित जावांगे चुप हो गए तां मिट जावांगे डटे रहे तां जित जावांगे चुप हो गए तां मिट जावांगे किसान मजदूर एकता मैम जिमें कि पंजाब के हरेक वर्ग के लोग जोड़े है वो प्रोटेस्ट के शामिल हो रहे हैं चाहे आर्टिस्ट ला लीए चाहे कोई भी मजदूर वर्ग ला लीए पता क्या जी कम कार तो असी आप चुनते हैं कि असी जिंदगी की करना है और रस्ते कई बार की बन जाते हैं वाहगुरु ने सानू कि लाइन च लैके जाना ये तो साड़ी जिंदगी चलती है पर जिथे साड़ी होंद है जिथे असी जम्मे है जी असी तो मैं तो कलाकार असी सारे कट्ठे हो असी गीत गाते रहे अपने खेतों के गीत गाए उन्हें जाके शूटिंगा कीतियाँ है ना वो लोग जिहड़े दुधां दे भंडार भरे घरे मखणा लस्सियां है जी असी इस तरह का जीवन शैली जी है और अज साडे उही बजुर्ग जिहड़े कि उत्थे रुल रहे आ बैठे आ सो मैं इस चीज़ नूं हर बंदा मैं कि हर जिहड़ा इंडिया च रहिंदा है और बाहर रहिंदा साडी कंट्री नाल रिलेटिड है मैनूं लगदा हर एक दीआं अक्खां नब ने कोई नहीं चाहुंदा असी लड़ना थोड़ी चाहुंदे आ जी कोई सानूं टैररिज्म दे नाल जोड़ रहा कोई किदां ये एक जुझारू कौम है गुस्से च असीं कहिंदे आ चक दांगे फटे आ जे जिहड़ा मर पर अंदरों असी प्यार फटे चक भी दिंदे ने जरूरी नहीं हैगी कहण दी गल अज शंभू बार्डर तों तू उत्थे जाके तुसीं बार्डर ते देखोगे जाके बहुत लोग झारू बैठे ने उत्थे भी अणखी है असी सानू जी कोई वंगार दा फिर तां असी मरन मराउण नूं तैयार हो जांदे आ पर सब तों पहलां असी प्यार दे बन्ने आ मैं समझदी आ असी तां कुर्बानियां देण वाली कौम है जिथों सानू गुड़तियां मिलियां है जी गुरु अर्जन देव जी तों ला लो गुरु तेग बहादुर जी तों ला लो उन्हां ने सानू कहा तेरा भाणा मीठा लागे पर नाल नाल सानू गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह भी कहा है चूं कर अज हमाहील ते दर गुजश्त बुरदनस्त बाशमशीर दस जो सारिया गल्लां तो कम लंघ जाए फिर तक तलवार चकनी जायज़ है और जो असी अज कीता जो मेरे बजुर्गों ने किया मैं सल्यूट कर दिया उन्होंने और असी धियां भी किसी भी मामले मैं कहनी घट नहीं है लगता मोदी जल्दी मन जाऊगा इस मुद्दे देखो जी मनना पेगा क्योंकि जायज़ मंग है उरे औरंगजेब तक असी हिलाया फिर यह थोड़ी होंगे असी लड़ाई जारी रख रहे हैं ये मनना पैना है क्योंकि अज हर एक हिंदुस्तानी की लड़ाई है इनू कल्ला पंजाब नाल ना जुड़े जाए पंजाब बोलदा बोलन वाला अगे आ जाता है क्योंकि पंजाब चुप नहीं रहा वारी गल पंजाब की नहीं है अज पूरे का पूरा जो वर्ल्ड है अब इकट्ठा हो चुके पूरी इंसानियत इकट्ठी हो चुकी है अभी कहनी है कि पंजाब पहल करता बोलता दलेर है इस करके पंजाबियों का ना अगे आ जाता है जबकि सारा हिंदुस्तान इस तो दुखी है कितने कितने सरकार जी है कितने कितने छोटी छोटिया हरकत कर जाती है जिमें कि अब 34 सैक्टर के माड़ी गल है ये सियासत अपनी देश की इन्नी मैं कहनी माड़ी हो चुकी है हर कोई निजी पद्धर से चाहता है भी मैनू जो ठीक है उही ठीक है मैं पता नहीं की बनना इतने कोई कुछ नहीं बन के जाता आप एक इंसान बनीए थोनू रब ने मौके दिते है थोनू लोगों ने मौके दिते है उन्होंने दिल को खुश करो ता ही तो रब खुश होएगा ना मैं कहने मोदी जी पता है तुम जी के भगत हो हाँ जी तुम अपने गुरु साहब न याद करो तुम कहो भी भाई ये मेरे तो की हो गया जे मेरे लोग दुखी है तो मेरा रब दुखी है
तुसीं इस तरह के प्रभाव नाल इस तरह की फीलिंग नाल अज एक चंगा फैसला लो और तुहाडे लोक ने और आपां इह कोई उच्चा नीवें की गल ही नहीं भी सरकार चुक गई फलाना चुक गया, यह कोई गल ही नहीं। आपां एक कंट्री च रह रहे हैं, साडी सरकार है, साडे हिंदुस्तान की सरकार है, असीं चाहुंदे आं तुसीं कहो भी ठीक है भाई मेरे लोग जिवें खुश मैं उदां खुश। कितने लगता नहीं मोदी सिर्फ जिहड़े अपने सरदारां तों चुकना नहीं चाहुंदा? नहीं ऐसी कोई गल नहीं, देखो मैं ये तो एक उही गल जिहड़ा बंदा बोलता वो अगे आ जाता है। साडी जिहड़ी सरदारां दी कौम ला लो जोशीली है, असी हमेशा जिहड़ी गल करदे आ ना वो दिल तो कर लैंदे आ, इस करके असी अगे हो जाने मुढ बन दिंदे आ भी ये बंदा कह रहा गल सच्चाई दी है, गल अणख दी है, गल सही है, सही गल ते असी तुरना है। साडा मकसद किसी नूं झुकाउणा नहीं है, साडा मकसद सही फैसला जो लोग चाहते हैं असं चाहते लोगों नाल चलो, जे लोग चाहते हैं जिस तरह जीना उन्होंने जीण दो, तुसी धक्का ना करो, तुसी एक कहण दे भी हाँ भाई अज मैं फलाने बंदे नूं खुश करन लई, इह सारे लोग समझ रहे अज कोई पागल नहीं हैगा। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मैम। सब तो पहला तो मैनू एक गल दसो भी जिहड़ा अज दा तुहाडा प्रोटेस्ट सी, पहला मैनू बहुत पसंद आया जिहड़ा कि तुसी किसे भी रोड नहीं ब्लॉक किए, किसे भी आम जनता नूं नुकसान नहीं पहुँचाया, पर कितना कितने सरकारी अदारे जिहड़े सरकारी तंत्र हैगे आ उह फिर भी जिहड़े शांतमय प्रोटेस्ट हैगे आ उहनां नूं प्रोटेस्ट क्यों नहीं करन दिंदे, तुसीं की कहोगे इहदे बारे? सर हर किसी का अपना अपना तरीका हुंदा प्रोटेस्ट करन दा, असी जिन्ने भी इत्थे सारे हैगे आ कलाकार हैं, किसी ने पंजाब दे विच या पंजाब लई परफॉर्म किया होया, वी ऑल आर स्टेज आर्टिस्ट, तो असी सानू प्यार मिलता असी प्यार मानते हैं, तो साडा ये तरीका है जी प्रोटेस्ट करन दा, पीसफुली प्रोटेस्ट करन दा। किसानां दा भी प्रोटेस्ट करन दा भी यही तरीका है, उन्हां दे डांगा पैंदियां ने पर फिर भी वो रोटी मूहरे करदे ने, तुसीं पहला पुत्र रोटी खा लो उस तों बाद डांगा भरा लिओ। हाँ जी हाँ जी सर, ये उन्हां दा बेसिक नेचर है तो उन्हां करके रोटी खा रहे हैं, ये उन्हां दा बेसिक नेचर है तो ये सरकार दा बेसिक नेचर है। ओके, कल मोदी दा एक बहुत सरकार वालों एक अहम फैसला हैगा, उहदे बारे तुसीं की कहो? सर मैं जिनी कोई स्टडी की है ये जिहड़े लॉज ने थ्री एनफोर्स होए ने, ये इन्हों का बेसिक मोटिव की है सरकार का, ये बैटरमेंट लई होए हैं किसान की बैटरमेंट लई, ते तिने लॉज च बहुत लूप हॉल्स ने, चाहे वह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट्स ने मार्केट कमेटी है, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, या चाहे वह असेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इन्हों सार बहुत लूप होल्स ने, तो लूप होल्स मैं लगता है भी इन्हों कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, ये रिवोक होने चाहिए वापस लेने चाहिए, क्योंकि जोड़ा 86% किसान है भारत वो छोटा किसान है, तो जिने भी लॉज ने एक अल्टीमेटली बैटरमेंट लई नहीं है, ये उन्होंने नुकसान ही होगा, तो जी प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने मुनाफा होगा, तो ये डेफिनेटली रिवोक होना चाहिए। एक टाइम इदा दस गया भी पंजाबी एक का मूँह दूसरे पास नूं हुंदा सी, एक का दूसरे पास नूं हुंदा भी भरा भरा दे नाल रल के नहीं बैठता सी, पर अज दे टाइम दे विच भरा भरा नाल रल के बैठ रहा है, पुत प्यो नाल रल के बैठ रहा है, भी अज मोर्चा दे डटे हुए ने, पिछों फैमिलियां सपोर्ट कर रही हैं भी असी थोड़े पिछे कंध बन के खड़े, थोड़ू फिक्र करने की लोड़ नहीं हैगी, इहदे बारे तुसीं की कहोगे भी ये मोदी ने कितना कितने कुछ चंगी चंग्यारी भी छड्डी हुई है जिहदे करके साडी एक सांझ जिहड़ी इकट्ठी हो गई आ, अज जदों असीं बार्डर दे उत्ते जा के देख के आए हां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे वालों लंगर लगाए गए थे, उसके बारे तुसी की कहो? जी जी बिल्कुल, ये सिर्फ मैं फिर कहूँगी कि ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ पंजाबियों का नहीं है, तो ये रिलिजन तो पंजाबियों का कोई लेना देना नहीं है, यूपी वाले भी ने, बिहार वाले भी ने, पंजाब के भी ने, राजस्थान के भी ने, हरियाणा के भी ने, तो इकट्ठ होया तो यूनिटी एंड डायवर्सिटी थैंक्स टू मोदी। मानते हो भी वाकई मोदी का यह चीज़ जरूर एक फायदेमंद रही है भी साढ़े साढ़े पंजाबियों को इकट्ठे करने वास्ते सब तो जरूरी रही है इन्हें जी, बिल्कुल एक दूजे नाल खड़े हैं एग्जैक्टली पूरे देश नू, पूरे देश नू, तो थैंक्स टू मोदी। हाँ जी बलकार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर चंडीगढ़ के विच तुहाडा अज एक शांतमय प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये नाल ही एक 34 दे विच जिहड़ा एक बहुत ही मंदभागी घटना हुई सी अज, तो उहदे बारे सब तो पहला तो मैं तुहाडे कोल जानना चाहांगा भी उहदे बारे तुसीं की सोचते हो? वैसे तो मंदभागी घटना कित भी हो सू तो अफसोस ही हों, और इस तरह असी जिन्हें भी कलाकार हाँ इतने भावें वह फिल्मों चो ने भावें रंगमंच चो ने पंजाब के ने हरियाणे के ने चंडीगढ़ के ने, तो वह अच बकायदा शांतमई ढंग दिल्ली जो सा किसान संघर्ष चल रहा, तो उन्होंने सहयोग लिये समर्थन लिए उन्होंने हा का नारा मारन वास्ते बड़े ही शांतमई ढंग अज असी इतने रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। तुम वेख रहे हो कि मोमबत्तियां जगह ने, तो मोमबत्तियां जां तां श्रद्धांजलि वेले जगाउंदे आ, ते जां जदों कितें तुहानूं लगे भी तुहाडे दुख दी इंतहा आ कोई सुणदा नहीं गा,
ते तुसी इदां दी हमदर्दी वजों अपने उन्हां संघर्षशील योद्धां वास्ते जिहड़े दिल्ली आने ठंड दे विच साडियां मावां साडे बजुर्ग साडे बच्चे उत्थे बैठे ने सो उन्हां वास्ते असीं हाँ दा नारा मारन वास्ते इत्थे बैठे ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਖੁਦ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੱਜ 23 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 36 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਹੋਰ ਵੀ 26 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਉਹ ਏਕ ਦੇਸ਼ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ BJP ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਟਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣੀ ਗਾਇਕੀ ਗਾਈ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਹਮ ਹੈ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਘਮੰਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 31-32 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਉਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਵੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਸਵੰਦ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਆ
तो तुम इस चीज़ को किमें देखते हो भी हाँ भी वाकई अज का जो मोर्चा ही कल फतेह करके निकला तो उस तो बाद जितने तो बाद प्रतिक्रिया होएगी सब तो पहले देखो जी असं सब तो पहली प्रतिक्रिया तो साड़ी होगी भी यह जित जी है लोक राज की है दिवाली आऊगी बिल्कुल आऊगी वह कारण यह आ कि जे अज यूएन का सैकटरी जनरल साढ़े हक च बयान दे रहा कैनेडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साढ़े हक चा तो आस्ट्रेलिया का अंबैसडर जी मैडम आ उन्हें क्या तो जे इंग्लैंड की क्वीन किसानों के हक के भेजती है तो 36 एम पी इंग्लैंड के किसान मोर्चे के हक में अज खड़े ने तो यदा मतलब वो जरूर गल च सच्चाई है तो इस करके जे गल तो ये कोई कल्ले किसानां दी नहीं सारे हिंदुस्तानियों की जित होगी और ये साढ़े सारे भावें प्रशासन तो भावें सियासतदान ने तो भावें सरकार के पक्ष वाले ने तो इन सारे की जित मैं समझूंगा इस असी भी सर यही उम्मीद करते हैं कि सवेर वाली जी सवेर आनी है वह किसानों के वास्ते बहुत ही खुशी वाली लैके आए तो जो जे किसान उत्थे मोर्चे में डटे हुए हैं वो अपने परिवारों के अपने बच्चों के आके अपना जो जो भी गुजर बसर है स्टार्ट कर सकन ताजो कि अपनी जिंदगी वधिया तरीके चला सकन धन्यवाद सर। हाँ जी बाबा जी सत श्रीकाल जी पहला तो मैं ये दसो भी जो अब प्रोटेस्ट कर रहे हो शांतमय तरीके प्रोटेस्ट किया है तो दिल्ली की खबर रखी भी दिल्ली के बार्डर से इस टाइम किमें माहौल है किमें कुछ बेटा जी सच पुछदा ना तो सवेर तो लैके शाम तक पूरी परिवार मेरा वो टीवी के सामने बहिंदा है हर चैनल से खास करके गोदी मीडिया भी असी देख लें थोड़ा बहुत लेकिन मैं धन्यवाद करता थोड़ा पंजाबी मीडिया का जिन्होंने बड़ा बड़ा सहयोग दिता तीन महीने तो लगातार तुसी जुड़े हुए हो किसानों के नाल और तुसी दिल्ली तक उन्होंने लेके गए खिंच के और बहुत वधिया गल है और सानू ये आस है कि बड़ी जल्दी असी जित प्राप्त करके मुड़ांगे। पंजाब दे विच एक नवी क्रांति आई है नवा मीडिया क्रांति आई है जो कि वड्डे वड्डे कारपोरेटिव घरानियां नूं इस टाइम फिक्र पाया पिया है छोटे मीडिया ने बिल्कुल ये कोई मतलब अतकथनी नहीं क्योंकि बहुत वधिया तुहाडा जिहड़ा बिहेव है तकरीबन हर जगह ते असीं देखदे आ हर धरने दे विच असीं आम जिहड़े जदों रेलां दे धरने सीगे उस समय भी देखिया और दूजे अपना की कहिंदे आ अपना मौलां ते जां जिथे किते भी धरने तुसीं जांदे हो और बहुत वधिया तरीके दे नाल साडी जिहड़ी गल है वह लोकां तक पहुँचदी है और इहदी इही इक वजह है कि अज मीडिया जिहड़ा ना वह साडे हत्थ 'च है साडे कोले है असी जो भी सुनते हैं जो भी असी बोलते हैं वो हर एक के कान च पहुँचती है गल। पंजाब दे विच किसानां दी जित प्राप्त जदों हुंदी आ सब तो पहला तुसी जित प्राप्त होने बाद पहला की करोगे तुसी बेटा खुशी इस तो बाद खुशी की हो सकती है बड़ी जल्दी जित प्राप्त करांगे आपां हमेशा वास्ते असी यह भी जश्न होएगा दीप माला भी कर सकते हैं क्योंकि जो असी जित पर गल सानू मौका तो मिले साढ़े असी उन्ना चिर जिदा जब तक साढ़े तिने कानून रद्द नहीं होंगे ये किसानों का जो आदेश सानू दिल्ली तो मिलेगा ना चाहे कल असी कलाकार से कलम दो चीज़ें एक ऐसा ने जिड़िया बड़िया तिखिया होकर बजदिया ने जो बजदिया ने वो क्योंकि कला एक समाज का आईना होंदा है और कला दे राही असी अपना जो भी समाज दे विच हुंदा है उह असी सामने लेके आउने आ चाहे वह फिल्मी दे पर्दे ते होवे चाहे वह स्टेज ते होवे चाहे वह असी नुक्कड़ नाटक के रूप करिए चाहे जिवें असी हुण कहे हुण भी यही गल हुंदी है साडी सो इस करके ये है भी खुशी का एक माहौल जिहड़ा हुंदा ना वह जिवें आम घरां च आपां जशन उदां दे हुंदे है वह हर घर दे विच होणे ही होणे है अज मेरे मतलब ये है भी इत्थों तक मेरे बच्चे भी खुद चाहुंदे है कि सानू किसान यूनियन के झंडे मिलने चाहिए असी किसान यूनियन का झंडा अपने घर च रखिए सानू वह अपनी एक याद संभाल के रखना चाहते भी असी कहो जिहा संघर्ष देखा है जिहड़ा संघर्ष मैं 65 सालों च नहीं देखा 3 महीने लम्मा संघर्ष वह भी शांतमई और दुनिया मंदी है साडे इस शांतमई संघर्ष नूं असी बहुत ही जानी ये कह लिए भी बड़ा उत्साह दे विच आ कि सानू ये मौका मिलिया और कोई किसी किस्म दा कोई संजम नहीं खो रहा नौजवान खास करके नौजवानों बारे मैं जरूर एक गल कहनी चाहूँगा कि जिन्हां लोकां ने साडे पंजाब दे नौजवानों नूं नशेड़ी कहा सी ना नशेड़ियां ने दस्सदा जाके उत्थे भी नशेड़ी की कर सकते हैं जिहड़े सानू टैरिस कह रहे सी ओह की कर सकते हैं वड्डे वड्डे उन्होंने बैरीकेड तोड़ के सीधे दिल्ली च डेरे ला ले। एक मैं बेनती जरूर करांगा कलाकारां नूं चाहे उच्च कोटी दे कलाकार ने लेकिन उन्होंने संभल के थोड़ा जिहा अपनी जवान कंट्रोल च करके खास करके मैं तुहाडे माध्यम राहीं जे गल पहुँचूगी तां मैं कंगना रनौत जिहड़ी है ना बेशक वो अपने आप से स्टार समझदी होवे लेकिन इस टाइम वो खत्म हो गई
क्योंकि साढ़े लोगों के दिलों चो लै चुकी है वो एक माँ जब इन्ने भद्दे शब्द बोल सकती है इन्ने घटिया शब्द बोल सकती है तो कल तुसी सारे मीडिया वाले ने देखा मान साहब नाल की होया बह के वेख लै माना की रंग बटाउंदी है दुनिया। सो इस करके ये है कि सानू थोड़ा जिहा संभल के चलना चाहिए। सानू जंग लड़नी भी आउंदी है ते जंग जितनी भी आउंदी है, मेरियां अपनियां लाइनां ने। सानू जंग लड़नी भी आउंदी है जंग जितनी भी आउंदी है, जे सरकारां असी बना सकदे आ तां सरकार सिटनी भी आउंदी है। बहुत बहुत वधिया जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। हुण साडे नाल इक भाई खड़े ने बॉम्बे तों आए ने ते इत्थे इक फिल्म की शूटिंग दौरान इत्थे आए सीगे ते इहनां नूं पता लगा वी इत्थे प्रोटेस्ट आ ते इह वी इत्थे शामिल होण लई आ गए। भाई जी सत श्री अकाल। की नाम पहला था अपना नाम दस्सियो जी। मेरा नाम हैगा मितवा, मितवा मितवा जी। मैनू जो भी जानता हैगा मितवा के नाते ही जानता हैगा। काफ़ी फिल्मा कीतियां मैं ते काफ़ी पंजाबी फिल्मा भी कीतियां ते इस वेले मैं बॉम्बे तो एक वैब सीरीज पंजाबी दी सिमरजीत प्रोडक्शनस की करना आया सीगा इत्थे वारदात। तो इत्थे पता लग्या कि अपने वीर सारे किसानों के हक च खड़े हुए हैं तो मैं मेरा भी हक मेरा भी फर्ज बनता और मैं आके मैं भी खड़ गया। बॉम्बे च नहीं कोई खड़ रहा क्योंकि बॉम्बे में तो खड़ना किन्ने तो कंगना तो नौ तो आप अगर लैंड ही है उन्हें किसी ने बेचारे की खड़ना जो तुम बॉम्बे जाओगे कि अज पता लगे है मैनू कि उद्धव ठाकरे ने भी सपोर्ट करती है जोड़ा महाराष्ट्र का शिवसेना का चीफ मिनिस्टर है ना। मैं सुना तो हैगा कि उन्हें भी सपोर्ट करती है। एक पास आर्टिस्ट जिन्हें है पंजाब के जर भी है प्रोटेस्ट नूं सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे पास कंगना रनौत कि दिमाग दमुग हिल गया वाकई की गल कंगना कोठी डिगण तो बाद दिमाग हिल गया भी खत्म हो गया कम की चक्कर की है। बिल्कुल 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 दिमाग हिल गया वो असल च हुण बीजेपी तो सीट लैना चाहती है पर तुम ये गल ना भूलो कि प्रियंका चोपड़ा ने साडी हक च बोल दिता वा। बिल्कुल बोलिया जी बिल्कुल है ना जी। होर भी बहुत हौली हौली बोल रहे हैं, सोनम कपूर ने भी बोलिया हैगा। हाँ जी तो ऐसी गल नहीं है, सारे बंदे खुल खुल के आ रहे हैं, सारों गल हौली हौली समझ आ रही है तो आ रहे हैं सारे। पर तुम बॉम्बे जो जाओगे कंगना का प्रोटेस्ट तो जरूर करोगे ना, भी उन्होंने बैकअप करोगे भी हाँ भी कम नहीं देना जी कम नहीं करना सी ये तो सोचोगे कि नहीं छड़ दूंगा भी नहीं कोई गल पैसे आ रहा है कोई गल नहीं कंगना छड़ो परे कर लेने कम जाके। जरूरी नहीं अजे तो मैं इतने ही कर रहा है, अदू बाद मैं डाकुआ का मुंडा टू करनी है फिर जाना मैं इतों उन्ना चर तो मैं हो सकता मैंने टाइम मिले तो मैं किसान मोर्चे से जावा। हाँ जी पूरा मन हैगा कि किसान मोर्चे जाया जाए तो भाई बेसिकली तो मैं भी किसानी फैमिली तो ही हाँ भावें मेरे फादर मेरे दादा जी मामा जी सारे आर्मी सके पर है तो किसान फैमिली तो ही हाँ सी। हाँ जी अच कितने चेंज हो गया पर फिर भी कितना कितने रोटी तो सू सा किसान के घरों ही आँदी है। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं असं भूल सकते पर अजे भी सारे करते पे है कम तो चलते पे है सारे एग्रीकल्चर चल रही है घर की साड़ी फैमिली के लोग कर रहे हैं ऐसी कड़ी गल है। हाँ जी जिमें तुम देख सकते हो पंजाब छड़ के बॉम्बे तो भी इतने आर्टिस्ट आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने वास्ते तो असी उम्मीद करते हैं भी कल की जी मीटिंग है वह बेसिटा ना निकले तो किसानों के हक के फैसला आए तो कि किसान अपने घर अपने फैमलिया के जान। तुम देखते रहो छन काट गल किसानी की चलती हो जिमें कि जिते कि आर्टिस्ट ने प्रोटेस्ट की हो आर्टिस्ट इदा का जोड़ा कि गाने तो बिना नहीं उन्होंने छड़ सकते तो बाई में पहला तो मिलते हैं। बाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी। तो अज के इस प्रोटेस्ट में मैं सब तो पहला धन्यवाद भी करूँगा मेरे सारे ही कलाकार साथियों का और मैं एक साढ़े सारे ही किसान भरावान मजदूर भरावान जिन्हें भी साढ़े जोड़े संघर्षी बख थावान उत्ते जोड़े इस प्रोटेस्ट में लैके हुए बैठे हुए हैं मैं उन्होंने ये कहना चाहूँगा कि डटे रहो असी तो आड़े नाल आ। मैं ज़्यादा गल् नहीं करूँगा मैं कुछ सत्र के नाल जो भी मेरी गलबात है मैं कहनी चाहूँगा कि ओ बोली साड़ी लौन फिर दे कंडे चोली पौन फिर दे ओ बोली साड़ी लौन फिर दे कंडे चोली पौन फिर दे हो लुट लैना पंजाबे सोना लौन स्कीमा बड़े ही चिर दे हाँ लुट लैना किसान निमाणा लौन स्कीमा बड़े ही चिर दे हो एने भी नी सस्ते हो गए एने भी नी सस्ते हो गए के कौडिया दे पा बिक जावांगे जे डटे रहे ता जित जावांगे
चुप हो गए ता मिट जावांगे, हा डोल डोल के लहू पसीना करियां ने जरखेज जमीना, पिछे लग के साम्राजियां हाकम भी हो गया कमीना, ओ हक सानू ने लैने ओदे, हक सानू भी लैने ओदे, सोची ना के टिक जावांगे, डटे रहे ता जित जावांगे, चुप हो गए ता मिट जावांगे, डटे रहे ता जित जावांगे, चुप हो गए ता मिट जावांगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, भवे सो निहाल, सस्री अकाल। भाई वाकई जी जे असी डटे हाँ अज ता ही असी जित की उम्मीद के उत्ते असी खड़े हुए हैं, तो इधर साढ़े नाल बाई हुड़ियां नैशनल अवार्डी सी भंगड़े दे विच, भंगड़े से सोशल एक्टिविटी। ओ क्या बात है जी। भाई जी मैनू हुण एक गल दसो, भी जो अज प्रोटेस्ट से मैनू एक पता लगा सीगा भी तुसीं हुण जद तक किसानां दा प्रोटेस्ट चलना है जे उन्होंने हल मसले नहीं होंगे तद तक तुसीं चंडीगढ़ दे विच पंचकूला ते मोहाली दे विच कोई भी एक्टिविटी जिहड़ी हैगी कल्चर एक्टिविटी नहीं करवाओगे? बिल्कुल जी, राइट है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ते ना ही तुसीं ढोल खड़काओगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ए कलाकारां दा ढोल हो गया, सजिंदिया दे साज हो गए, यही साढ़े हथियार ने, तो इन्हां राही असीं अपने जाहिर किया कि असी उन्होंने नाल है। किसानों जो उत्थे बैठे असी भावें गिणती च इत्थे थोड़े ने उन्होंने मुकाबले, पर उत्थे बैठे उन्हें एक संदेश देना चाहते हैं कि तुसी उत्थे डटे रहो, असी थोड़े लिए इत्थे डटे हैं, तुसी घर बार छड़ के साडे लिए गए हैं तो थोड़े घर बार असी बैठे हैं थोड़ी रख्या लई। तो मैं सब तो ज़्यादा हल्लाशेरी देवांगा नौजवान नूं, जो नौजवान भावें जिन्हां नूं नशे दे कह के गलतान हो गए ने, ये समझ के लताड़िया गया है, अक्सर फिल्मों च दिखाया गया है, तो मैं हल्लाशेरी देवांगा उन्होंने नौजवानों वीरां नूं कि उन्होंने बड़े हलीमी नाल बड़े सरबत का भला मन के उत्थे डटे ने, ते सोच समझ के उस संघर्ष के नाल हिस्सा बने ने। ते मैं इत्थे भी जो कलाकार वीर जुड़े ने मैं कहना चाहूँगा कि इत्थे सारे कलाकार जुड़े ने, कलाकारां ने भी ये अपने सजिंदियां दे नाल मिलके ये शो किया कि असी थोड़े नाल है। इत्थे बहुत शांति नाल उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बहुत एक जोत जगा के एक चानण दे नाल दित्ता है कि असी मना विच थोड़े लई हले भी जोत जगी है, तो उही उम्मीद लैके असी इत्थे प्रोटेस्ट करते रहांगे, थां थां ते असी उलीकदे रहांगे कित्थे कित्थे प्रोटेस्ट करना है, तो आने वाले समय च भी असी उन्हां नाल डट के खड़े हैं जी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। तो हुण गल करदे आ वरिंदरजीत सिंह मलोआ जी नाल। मलोआ जी जिवें कि सारे पासे संघर्ष बहुत तेज़ होया आ, तो कितना कितने छुटपुट घटनावां भी होंदियां ने, एक जरूर एक मैसेज जरूर कन्वे कर दिओ भी, क्योंकि कुंडली बार्डर से लैके दिल्ली के जिन्हें भी साढ़े प्रोटेस्टर ने साढ़े किसान ने वह बिल्कुल शांति दे नाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कित भी उन्होंने किसी को भी मंदभागी गल्लां नहीं करते, किसी नाल भी कोई शब्द नहीं आप शब्द नहीं बोलते, तो कितना कितने सानू लोड़ है अज के टाइम जिते भी असं प्रोटेस्ट करिए तो शांतमई तरीके करिए। एक सुनेहा बहुत अच्छा जरा जरूर तुम साढ़े अपने दर्शकों लोगों जनता जरूर दिओ जी। देखो मैं एक स्कल्टर हैगा जी पत्थर घड़ते हैं, तो पंजाबी की एक कहावत है पेट ना पईयां रोटियां सबे गल्लां खोटियां, हैं जी। मैं ऑल इंडिया जाना रहना, तो कई इदां दी जगह ते मैं गया नागालैंड मिजोरम वगैरह जिथे जाके जेब नोटां नाल भरी होए पर रोटी की अहमियत पता लगती, क्योंकि रोटी उत्थे है ही नहीं गई जी, वह बंदे कुत्ते बिल्ले खा के सार लैणगे, पर असीं उत्थे नहीं कर सकते। हुण पत्थर घड़ना है तो उहदे लई जोर चाहिए जी, ठीक है जी। तो वह जोर जिहड़ा जे किसान ना होया ता सारी कला जिहड़ी खत्म ही हो जूगी जी। भंगड़ा पाणा उहदे लई जान चाहीदी, लत्तां च बाहां च जान चाहीदी है जी, ठीक है जी। तो ये जिहड़ियां कलावां यह भी किसान दे नाल ही जुड़ियां होईयां, बिल्कुल जी। जेकर अपना किसान खत्म है उहनूं इह तंग कर रहे है तो साडे लई जीणा भी औखा हो जाएगा कलाकारां लई। नहीं वो तो असीं खुद चाहुंदे आ, असीं खुद चाहुंदे आ भी असीं सरकारां नूं तो उपर लैके जाणा ना, इह सरकारां नूं डुबण थोड़ी देणा आ। हाँ जी, क्योंकि सरदार किसानी है कि इदां दी है जिहड़ी कि पंजाबी तो इदां दे हैगे जिहड़े तेल वध पाउंदे ने, तेल वध पाउंदे। उही मैं दस रहा जी, देखो उधरों जे थोड़ा बहुत पहली गल तां नुकसान किसान कोई कर नहीं रहे, पर यह अपना फायदा इधरों कढ रहे हैं। तो दूजी मैं एक लेटैस न्यूज़ सुन रहा जी, जिहड़ा रेलवे है, रेलवे तो देखो पहले फड़ियां लगदियां सी, आम लोग उत्थे दे रहण वाले बसिंदे जिहड़े सी वो कुछ ना कुछ खरीदते सीगे, ठीक है जी। अपना वेचना उन्होंने डेली का अपना रूटीन के कुछ कमाई कर रहे थे बेचारे, इन्होंने सारा वो बंद करता। तो आने वाला टाइम मैं लग रहा है कि जिहड़ा कि रिलायंस अंबानी अडानी के नाँ तो उत्थे बन जाएंगे सारे स्टॉल, तो वो मतलब सारा कुछ ही ये जिहड़ा प्रधानमंत्री मैनू तो लग रहा है कि सिरे का डंगर प्रधानमंत्री आपां चुन लिया जी, ठीक है जी। कि डंगर तो भी मैं वध के कहूँगा कोई शब्द है नहीं उहदे लई,
क्योंकि 100 खा ले 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।